नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। गुजरात में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए प्रचार तेज। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुरेंद्रनगर, जम्बूसर और नवसारी में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से बजट पूर्व विचार विमर्श शुरू करेंगी। भारत फ्रांस से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संबंधी वैश्विक भागीदारी GPAI का अध्यक्ष पद ग्रहण करेगा। गोवा में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में आज भारतीय पैनोरमा वर्ग की शुरुआत। और कतर में फीफा फुटबॉल विश्व कप का भव्य उद्घाटन। पहले मैच में इक्वाडोर ने कतर को 2-0 से हराया। समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। गुजरात में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के लिए प्रचार जोरों पर है। 1 दिसंबर को 89 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने उन 7 सदस्यों को पार्टी से निलंबित कर दिया है जिन्होंने पहले चरण के मतदान के लिए निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में पर्चे भरे हैं। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनाव सभाओं के साथ राज्य में प्रचार अभियान में तेजी आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने चुनाव प्रचार के तीसरे दिन आज सुरेंद्रनगर, जम्बूसर और नवसारी में चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। श्री मोदी अपनी सभाओं में गुजरात के गौरव और राज्य के विकास के लिए भाजपा को एक और मौका देने की अपील कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने भी अपने प्रमुख नेताओं को प्रचार में उतार दिया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी आज सूरत और राजकोट में प्रचार करेंगे। उनके साथ राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी रहेंगे। वहीं आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल समेत अन्य नेता वोटरों को रिझाने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। अपर्णा खूंट के साथ संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। आज दूसरे चरण के लिए नाम वापस लेने का अंतिम दिन है। इस चरण के लिए 1112 उम्मीदवारों के नामांकन पत्र वैध पाए गए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से नई दिल्ली में वर्ष 2023-24 के केंद्रीय बजट की तैयारियों के सिलसिले में विभिन्न हितधारकों के समूहों से बजट पूर्व विचार विमर्श शुरू करेंगी। वित्त मंत्रालय ने बताया कि ये बैठकें वर्चुअल आधार पर होंगी। वित्त मंत्री पहली बजट पूर्व बैठक उद्योग और बुनियादी ढांचा तथा जलवायु परिवर्तन विशेषज्ञों के साथ 2 अलग अलग समूहों में करेंगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भर में आर्थिक अनिश्चितता के बीच भारत विश्व अर्थव्यवस्था में उज्ज्वल स्थान बनाए हुए है। कल मुंबई में लेखाकारों के 21वें वैश्विक सम्मेलन में उन्होंने कहा कि विश्व विकास के संचालन और मार्गदर्शन के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था की ओर देख रहा है। भारत की G20 की अध्यक्षता के बारे में श्री गोयल ने कहा कि भारत ने इसके लिए जो विषय चुना है वे वसुधैव कुटुम्बकम यानी विश्व एक परिवार है की भावना पर आधारित है। भारत आज से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संबंधी वैश्विक भागीदारी GPAI का अध्यक्ष पद ग्रहण करेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर टोक्यो में GPAI की बैठक में सांकेतिक रूप में फ्रांस से अध्यक्ष पद की बागडोर प्राप्त करेंगे। भारत 1 दिसंबर से विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के समूह G20 की अध्यक्षता भी ग्रहण करने जा रहा है। GPAI 25 देशों का संगठन है। एक रिपोर्ट। भारत GPAI में वर्ष 2020 में संस्थापक सदस्य के रूप में शामिल हुआ था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से वर्ष 2035 तक भारतीय अर्थव्यवस्था में 967 अरब डॉलर और वर्ष 2025 तक भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 450 से 500 अरब डॉलर जुड़ने का अनुमान है, जो देश के 5 ट्रिलियन डॉलर सकल घरेलू उत्पाद के लक्ष्य का 10% है। भारत को GPAI की अध्यक्षता मिलना इस बात को भी दर्शाता है कि आज पूरी दुनिया भारत को प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में देखती है। भारत ने नागरिकों के जीवन को बदलने के लिए प्रौद्योगिकी के नैतिक उपयोग को हमेशा बढ़ावा दिया है। पारस चौहान के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कतर में भारतीय समुदाय के प्रमुख सदस्यों के साथ विचार विमर्श करेंगे। श्री धनखड़ कतर राष्ट्रीय संग्रहालय का भी दौरा करेंगे। वे प्रवासी भारतीय श्रमिकों के लिए कार्यरत भारतीय समुदाय संगठन के सदस्यों और राजस्थान परिवार कतर के सदस्यों के साथ भी विचार विमर्श करेंगे।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल से दो दिन की कंबोडिया यात्रा पर रहेंगे। आसियान रक्षा मंत्री प्लस बैठक के अध्यक्ष के रूप में कंबोडिया सीम रीप में 9वीं वार्षिक बैठक की मेजबानी करेगा। श्री सिंह बुधवार को इस मंच को संबोधित करेंगे। वे कंबोडिया के प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात करेंगे। भारत और कंबोडिया पहली भारत आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। Come on boys, let's go practice. अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया है। तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे एक महीना हो गया है, बट वो गूगली पे गूगली डाले जा रहे हैं। तो आरबीआई के बैंकिंग लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में थर्ड अंपायर, वैसे ही आरबीआई का बैंकिंग ऑम्बुड्समैन। आरबीआई कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेन को एक महीने में नहीं सुलझाता तो आप आरबीआई के कंप्लेन मैनेजमेंट सिस्टम पर ऑनलाइन कंप्लेन कर सकते हैं। ये आरबीआई का आसान तरीका है आपकी कंप्लेन सुलझाने का, और वो भी फ्री। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। गोवा में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सव में आज से भारतीय पैनोरमा वर्ग आरंभ होगा। इस खंड में 25 फीचर फिल्में और 20 गैर फीचर फिल्में दिखाई जाएंगी। निर्देशक पृथ्वी कोनानूर की कन्नड़ फीचर फिल्म हदी ने लेंतु से इस वर्ग की शुरुआत हो रही है। विवेक अग्निहोत्री की कश्मीर फाइल्स और एसएस राजमौली की आरआरआर भी भारतीय पैनोरमा वर्ग में शामिल हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। भारतीय पैनोरमा की फिल्में पूरे देश के अलग अलग राज्यों, भाषाओं और संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती हैं। इस बार कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, मराठी, हिंदी, उड़िया, मणिपुरी, मैथिली और अंग्रेजी फिल्में इनमें शामिल हैं। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर भारतीय पैनोरमा के उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। श्री ठाकुर 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो संवर्ग के उद्घाटन समारोह में भी शामिल होंगे। वे देश के 75 युवा प्रतिभावान फिल्मकारों से बातचीत भी करेंगे। भारतीय स्वतंत्रता के 75 वर्ष के प्रतीक के रूप में इन फिल्मकारों की संख्या निर्धारित की गई है। सूचना और प्रसारण मंत्री आज फिल्म बाजार का उद्घाटन भी करेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए गोवा से अशोक शुक्ल। एक महीने तक चलने वाले काशी तमिल संगमम कार्यक्रम के अंतर्गत वाराणसी आए तमिलनाडु के विद्यार्थियों का पहला दल आज प्रयागराज पहुंचेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दल कल वाराणसी में गंगा घाट सहित कई जगहों पर गया। वाराणसी से प्रयागराज पहुंचने वाले काशी तमिल संगमम में आए तमिलनाडु के छात्रों के जोरदार स्वागत की प्रयागराज में तैयारियां की गई हैं। इन छात्रों का दल संगम इलाके का भ्रमण करने के बाद लेटे हनुमान जी मंदिर, आदिशंकर विमान मंडपम और अक्षय वट के साथ ही अन्य प्रमुख स्थानों के भी दर्शन करेगा। कल तमिलनाडु से आए छात्रों के दल ने अपना समय गंगा घाट के इलाके पर बिताया और उनमें से कुछ ने माँ गंगा में पवित्र डुबकी भी लगाई। इसके अलावा संगम में आए इन प्रतिनिधियों ने गंगा आरती भी की और नदी चलने वाले क्रूज का भी आनंद लिया। काशी तमिल संगमम के दूसरे दिन सांस्कृतिक संध्या का भी आयोजन किया गया, जिसमें तमिलनाडु से आए कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति दी। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम की रूपरेखा को अंतिम रूप दे दिया है। ये पाठ्यक्रम अगले शैक्षिक वर्ष से सभी उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों में लागू हो जाएगा। इन पाठ्यक्रमों के नियम अगले सप्ताह सभी विश्वविद्यालयों के साथ साझा किए जाएंगे। 4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम सभी 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों और अधिकांश राज्यों और प्राइवेट विश्वविद्यालयों में लागू किया जाएगा। बिहार में कल वैशाली जिले में देसारी थाना के अंतर्गत महनार हाजीपुर राजमार्ग के नजदीक तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से 6 बच्चों सहित 8 लोगों की मृत्यु हो गई। गंभीर रूप से घायल 4 लोगों का सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। लोग बड़ी संख्या में पूजा में शामिल होने के लिए इकट्ठा हुए थे। इसी दौरान तेज गति से आ रहा एक ट्रक भीड़ में घुस गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के निकटतम परिजनों को 2-2 लाख रूपये की अनुग्रह राशि और घायलों को 50-50 हजार रूपये दिए जाने की घोषणा की है। 22वें फुटबॉल विश्व कप के पहले मैच में कल ग्रुप ए में इक्वाडोर ने मेजबान कतर को 2-0 से हराया। इक्वाडोर के लिए कप्तान अनेर वेलेंसिया ने दोनों गोल किए। इससे पहले विश्व कप भव्य उद्घाटन समारोह के साथ शुरू हुआ। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। एक रिपोर्ट। फुटबॉल
फुटबॉल का महाकुंभ विश्व कप कल अल बायत स्टेडियम में रंगारंग कार्यक्रम के साथ शुरू हुआ। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी ने विश्व कप की आधिकारिक शुरुआत की। मिन कतर मिन बिलाद अल अरब अरहब बिल जमीअ फी बुतूलत कास अल आलम 2022। 900 से ज्यादा कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति दी। दक्षिण कोरिया के बैंड BTS ने अपनी धुन पर सबको नाचने पर मजबूर कर दिया। जॉन जुंग कुक ने कतरी गायक फहद अल कुबैसी के साथ नया फीफा सॉन्ग ड्रीमर्स प्रस्तुत किया। हॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता मॉर्गन फ्रीमैन भी उद्घाटन समारोह में दिखाई दिए। उन्होंने एकता का संदेश दिया। इससे पहले फ्रांस के पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी बार्सेले डेसेली ने विश्व कप ट्रॉफी के साथ स्टेडियम में प्रवेश किया। हिमांशु कांडपाल, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। आज शाम 6:30 बजे ग्रुप बी में इंग्लैंड का मुकाबला ईरान से और रात 9:30 बजे ग्रुप ए में सेनेगल का सामना नीदरलैंड से होगा। देर रात 12:30 बजे ग्रुप बी में अमरीका का मुकाबला वेल्स से होगा। भारत ने दूसरे T20 क्रिकेट मैच में मेजबान न्यूजीलैंड को 65 रन से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त ले ली है। सूर्य कुमार यादव ने 51 गेंद में 111 रन की नाबाद पारी खेली और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। तीसरा और अंतिम मैच कल नेपियर में खेला जाएगा। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने कल नई दिल्ली में बाल कल्याण समितियों के लिए प्रशिक्षण मॉड्यूल और गो होम एंड री यूनाइट पोर्टल का शुभारंभ किया। कार्यक्रम का उद्देश्य देश में किशोर न्याय नियमों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए बाल कल्याण समितियों और जिला बाल संरक्षण इकाइयों के सदस्यों और अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करना है। महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि बाल कल्याण समितियां बाल अधिकारों की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात पब्लिक स्पीक कार्य में उर्वरक क्षेत्र के विभिन्न विषयों पर उर्वरक विभाग के सचिव अरुण सिंघल के साथ चर्चा प्रसारित करेगा। इसे रात 9:30 बजे से FM गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। श्रोता एक राष्ट्र एक उर्वरक योजना, देश में उर्वरकों की उपलब्धता, नैनो यूरिया और नैनो उर्वरकों के उपयोग और उर्वरक क्षेत्र पर विशेषज्ञ से टेलीफोन नंबर 0112371706 और 0112331444 पर सवाल पूछ सकते हैं। नंबर एक बार फिर सुन लें, 0112371706 और 0112331444 पर आप सवाल पूछ सकते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और अब समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना। धन्यवाद फरहत। दुनिया के गरीब और विकासशील देशों को जलवायु आपदाओं से होने वाले नुकसान के लिए मुआवजा मिलने की खबर सभी अखबारों ने पहले पन्ने पर प्रकाशित की है। अमर उजाला लिखता है रंग लाई भारत की मुहिम, जलवायु आपदाओं से नुकसान पर गरीब देशों को मिलेगा मुआवजा। सतरंगी समा के साथ महासमर का आगाज, कतर की मेजबानी में फीफा 2022 के आगाज होने की खबर सभी अखबारों ने सचित्र प्रकाशित की है। जनसत्ता ने इसे अपनी सुर्खी बनाया है। दैनिक ट्रिब्यून लिखता है फुटबॉल के महाकुंभ का रंगारंग आगाज। अमर उजाला के शब्द हैं हर किक के साथ बढ़ेगा रोमांच। बेंगलुरु में ऑटो रिक्शा में हुए विस्फोट के आतंकी घटना होने की खबर नवभारत टाइम्स सहित अधिकतर अखबारों की सुर्खी है। पत्र लिखता है पुलिस का दावा मेंगलुरु विस्फोट घटना आतंकी। ट्रेड फेयर में सुपर संडे 1 लाख से ज्यादा दर्शक पहुंचे, कारोबारियों के चेहरे पर मुस्कान। राजधानी दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में उमड़ रही लोगों की भीड़ की खबर दैनिक भास्कर सहित अधिकतर अखबारों ने प्रकाशित की है। भारतीय अभिनेत्री वैजयंती माला को आदित्य विक्रम बिरला पुरस्कार मिलने की खबर देशबंधु ने सचित्र प्रकाशित की है। सर्दी दिखाएगी तेवर, हवा भी बिगड़ेगी सेहत, अमर उजाला की सुर्खी है। दिल्ली समेत उत्तर भारत में ठंड बढ़ने के अनुमान पर जनसत्ता लिखता है पहाड़ों पर बर्फबारी का दिखने लगा असर। वायु प्रदूषण से बच्चों में उच्च रक्तचाप की समस्या बढ़ी, हिंदुस्तान की सुर्खी है दिल का दौरा और स्ट्रोक का भी हो सकता है जोखिम। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गुजरात में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए प्रचार तेज। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुरेंद्रनगर, जम्बूसर और नवसारी में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से बजट पूर्व विचार विमर्श शुरू करेंगे।
भारत फ्रांस से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संबंधी वैश्विक भागीदारी GPAI का अध्यक्ष पद ग्रहण करेगा। गोवा में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में आज भारतीय पैनोरमा वर्ग की शुरुआत और कतर में फीफा फुटबॉल विश्व कप का भव्य उद्घाटन। पहले मैच में इक्वाडोर ने कतर को 2-0 से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।